दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम टू हैव की फॉर्म्स देखेंगे। कैसे हम अलग अलग कर्ताओं के साथ कौन कौन से फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, इस प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से अलग अलग से टू हैव के फॉर्म होते हैं, उनका हम आज स्टडी करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे हमने लिखा है सब्जेक्ट आई, वी, यू, यू और दे। अगर ये इसमें से कौन अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको दिखाई देता है, तो आपको उसके साथ हैव यह टू हैव का फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। जैसे कि आप यहाँ पे सेंटेंस देख पा रहे हैं, आई हैव अ पेन यानी मेरे पास पेन है, वी हैव अ कार यानी हमारे पास एक कार है, यू हैव दैट क्वालिटी यानी आपके पास वह क्षमता है, आपके पास वह क्वालिटी है, यू हैव स्टूडेंट्स यानी आपके पास स्टूडेंट्स है, दे हैव एन आइडिया यानी उनके पास यह एक कल्पना है या आइडिया है। अगर आप उसके बाद देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट आपको ही, शी और इट दिखाई देता है, तो उसके लिए हम टू हैव का जो फॉर्म है वह यूज़ करेंगे हैज़ यानी ही हैज़ अ प्रॉब्लम, उसे यह एक समस्या है। अगर वह लड़की है तो हम देखेंगे शी हैज़ अ डॉल, उसके पास एक डॉल है। और अगर हम इट यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी हम हैज़ ही यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, इट हैज़। इस तरह हमने देखा कि अगर आपको सब्जेक्ट आई, वी, यू, यू, दे में से कोई भी दिखाई देता है, तो आपको टू हैव का सिर्फ हैव यह फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। और अगर आपको सब्जेक्ट ही, शी और इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखाई देते हैं, तो आपको हैज़ यूज़ करना है। इस तरह हम टू हैव के फॉर्म यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।